नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम। आज हम उत्तन में हैं। उत्तन में चिश्तिया फिशरीज़ के यहाँ पर है और इस फिशरीज़ के मालिक मुनीर भाई हमारे साथ हैं। उन्होंने पालघर पुलिस के यहाँ पर जाके 420 का मामला दर्ज किया है और इसी बारे में हम जानकारी लेने के उनके पास आए हैं। सर, ये मामला क्या है? मेरा धंधा बढ़ रहा था वही टाइम, मैंने मिस्टर पेन जो जीएम है, ये हमारे से मतलब लोन पास करने के टाइम हर टाइम इनके पास जाना पड़ता, तो उनसे अच्छी पहचान हो गई थी। तो उनके पास जाके हमने मतलब लोन के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि लोन तो अभी आपको इससे ज़्यादा नहीं देंगे, जितना दिया है उसके आगे बैंक नहीं दे सकती, तो मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। इस तरह से वो मेरे साथ जुड़ गए धंधे में और उन्होंने अपनी जगह पर एक डमी पार्टनर को खड़ा किया और वो सचिन पागदरे नाम है उसका। उन्होंने ऑन पेपर उसको लेके आके मेरे साथ मतलब जुड़ गए। कौन सी बैंक? ये बेसिन कैथलिक बैंक के जो जीएम है पेन साहब, उन्होंने तो वो इस तरह से मेरे साथ जुड़ गए और उन्होंने एक साल तो ठीक मतलब 1 करोड़ डाला और उसके बाद धंधा किए। हम लोग 2016 में मेरे पास व्यवहार था तो वो सब सही हो गया। उसके बाद 2017 में नई कंपनी क्रिएट की फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड और उसके अंदर ऑन पेपर ये सचिन पागदर और उसकी औरत को डायरेक्टर बनाया और मेरी औरत को बनाया, मतलब 4 डायरेक्टर। और इन्होंने अपना नाम कहीं भी नहीं, मतलब इन्होंने अपने आप को अलग रखा इससे। और ये नई कंपनी बनाई उसके अंदर हमने जितना भी धंधा किया, मतलब लगभग 6 करोड़ 10 लाख का पेमेंट उसमें आया है और उसमें से उन्होंने फिशरमैन्स को 2 करोड़ का पेमेंट किया, बाकी ऊपर का जो 4 करोड़ 10 लाख देना है उन्होंने सब पूरा गायब कर दिया है। और देने के लिए वो कोई जवाब ही नहीं देते और लोगों को सब लोग जितने भी फिशरमैन्स हैं मेरे घर पर और मेरे ऑफिस में सब आके मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं और मैं बहुत ही परेशान हूँ। ये टाइम में लगभग 2 साल से तो ये सब मामले को लेके मैं इधर उधर भाग रहा हूँ लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और अभी ये बैंक में मैंने ये मामले को लेके गया हूँ, उछाला हूँ बैंक में, उन्होंने सुना है और एजीएम में ये बैंक का मामला उठाया, तो वो टाइम से थोड़ा इन्होंने बैंक वालों ने इंटरेस्ट दिखाया है। अभी जो नए इसमें जो चेयरमैन आए हैं रायन फर्नांडिस, इन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया, उन्होंने मतलब स्ट्रिक्टली लिया है कि इसमें क्या है, इसका असलियत बाहर आनी चाहिए। और इसमें मेरा खाता जो एनपीए में गया था, वो खाते एनपीए में से निकालने के लिए उन्होंने मुझे सजेशन किया कि अपन एक जगह आपकी बेचते हैं और उसको अपन लेवल में लाते हैं। तो उन्होंने वो 1 करोड़ 15 लाख में उनके दोस्त हैं राजू मिश्रा, उनको वो जगह बेची और 1 15 उन्होंने राजू मिश्रा ने जो एमओयू में लिखा है वो हिसाब से उन्होंने पैसा पूरा जमा कर दिया। लेकिन पूरा पैसा बैंक में हेड ऑफिस में पेन साहब के पास जमा करने के बाद उन्होंने मेरे लोन अकाउंट में पूरा पैसा जमा नहीं किया, उसमें से 41,30,000 रुपया गायब कर दिया है, जो कि मैं उसके लिए बार बार वो सब इंक्वायरी। एफआईआर में कितने लोग के नाम और कितना अमाउंट है एफआईआर में? एफआईआर के अंदर जो है मतलब पूरा अमाउंट जो है 4 करोड़ 10 लाख 19,909 रुपये का डिफरेंट आया है। और एफआईआर के अंदर मिस्टर एग्नेलो पेन जो बैंक के जीएम है वो और दूसरा एक सचिन पागदरे उनका आदमी, इनके दोनों के नाम आए। हालांकि इसमें वो मैडम का भी नाम लेना चाहिए था क्योंकि वो कहीं भी मुझे कोऑपरेट नहीं कर रही है, हर जगह मेरा मामला दबाने की कोशिश कर रही है और कहीं भी कोऑपरेट नहीं कर रही है। और दूसरा ये मामले को मतलब मैंने इनके सामने रखा था तभी भी उन्होंने इसके लिए मना किया कि ये गलत है, साफ साफ कर दिया कि गलत आप जो भी बोल रहे हो गलत है, उसकी जांच किए बगैर उन्होंने अपना जवाब दे दिया, ये मुझे गलत लगा। अभी क्या लगता है आपको, जो चेयरमैन नए आए हैं उनसे क्या उम्मीद है आपको? अभी जो चेयरमैन नए आए रायन फर्नांडिस, इन्होंने बहुत ही मतलब इसमें स्ट्रिक्टली लिया इंटर, मतलब इसके ऊपर एक कमेटी लगाई है, उन्होंने कमेटी नेमी है, कमेटी को सच रिपोर्ट देने के लिए कहा है, इन्होंने सब इंक्वायरी करके बैंक के एक्सपर्ट जो डायरेक्टर हैं दो, मुझे मेरे ख्याल से उनके नाम डिकोस्टा साहब और एक डाबरे करके हैं अल्बर्ट डाबरे, ये दो जो इनके बैंक के एक्सपर्ट डायरेक्टर हैं उनको इसमें कमेटी में बना के ये सब इसका रिपोर्ट निकालने के लिए कहा। उन्होंने अपना पूरा जाँच करके रिपोर्ट दी है बैंक को, जिसके अंदर 38,30,000 ऐसा उन्होंने निकाला है कि इतना इन्होंने गलत पैसा गायब किया है मेरे अकाउंट से। आप अगर ये मामला हल नहीं होता है तो आने वाले दिनों में किस तरह से आप सामने जाएंगे लोगों के, जो पैसा बाकी है वो देने के लिए? अभी ये लोगों के सामने क्या जाना है, इसी उम्मीद के ऊपर हूँ कि ये जो अभी नए चेयरमैन आए उनके ऊपर उनसे उम्मीद है कि वो स्ट्रिक्टली ले कि मेरा मुझे न्याय दिलाएंगे और मुझे लगता है कि उनसे न्याय मिलेगा। अगर वो न्याय नहीं दिला सकते हैं तो इसके आगे मुझे फांसी लगा के ख़त्म होने के सिवा और कुछ भी रास्ता दिखता नहीं है। इसके पुलिस का रवैया कैसा था आपका एफआईआर के लिए? पुलिस ने तो एफआईआर करने के टाइम वो कोऑपरेट किया, सब हर चीज़ में अच्छा कोऑपरेट किया, लेकिन कई जगहों पे उन्होंने मेरे जो उसमें डालना चाहता था उन्होंने मना कर दिया। अभी उनको लगता है कि एफआईआर में और भी लोगों के नाम आना चाहिए थे इसके अंदर? इसमें एफआईआर के अंदर मतलब जो इनकी सीईओ है मैडम जो है ब्रिजदीना कुटिनो, इनका नाम आना चाहिए था,
क्योंकि हर चीज़ इनके अंडर से जाती है, इनको हर चीज़ मालूम होती है, और इन्होंने उसके बावजूद भी इसमें मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और मतलब बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया मुझे, और उन्होंने उसको मतलब बचाने की कोशिश की मिस्टर पेन को। क्या मांग करेंगे आप लोगों से, क्या मांग करेंगे? ठीक है, अभी ये जो बैंक के दरबार में है या पुलिस के दरबार में भी है, लोगों से क्या मांग करेंगे? लोगों से अब क्या मांग करेंगे, इसमें अगर हमको न्याय मिलता है या जो नए चेयरमैन आए हैं, उम्मीद है इनसे कि रायन फर्नांडिस हमको न्याय दिलाएंगे, अगर यहाँ से भी न्याय नहीं मिला तो एक आमरण उपोषण आंदोलन करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं इसमें। ये थे यहाँ पे चिस्तिया के मालिक, जिनका कहना है कि अगर समझो मुझे न्याय नहीं मिलता है तो आंदोलन या फिर उपोषण करना पड़ेगा, भूख हड़ताल करना पड़ेगा। लेकिन एक बात ये कि महाराष्ट्र में अगर नंबर वन की अगर कोई कोऑपरेटिव अगर समझ बैंक है तो कैथलिक बैंक है। कैथलिक बैंक ने ऐसे लोगों को बनाया है जिनके पास कुछ नहीं थे और आज बहुत खुशहाल हो गए हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए हैं, और कैथलिक बैंक का कहीं पर भी इस तरह से नाम नहीं आ रहा है, और कैथलिक बैंक ने सबको सपोर्ट किया है। तो उम्मीद है कैथलिक बैंक के आरकान से, उनके चेयरमैन से, कि ये इनको जल्द से जल्द न्याय दे। इस तरह से हम मुद्दे को उठाते रहेंगे, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। कैमरामैन अजीम के साथ एम जाकिर। आइए देखते हैं इस मामले में एक्स डायरेक्टर बसिन कैथलिक बैंक के सचिन पेरेरा का क्या कहना है। जाकिर जी, मैंने आपने जो कहा वो सही है, आज हमारे एक बैंक के ऑफिसर के ऊपर एक एफआईआर हुआ है, ईओडब्ल्यू ने एफआईआर रजिस्टर किया है, और हमारा एक जो कस्टमर है या ग्राहक जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने ये किया है। देखो जाकिर जी, एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि या आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी कि बैंक का जो बिजनेस होता है, बैंक क्या करती है, बैंक डिपॉजिट लेता है और फिर वो डिपॉजिट के ऊपर कस्टमर्स को या ग्राहकों को लोन देता है। इसमें रिस्क होती है और इसमें जो डिफरेंशियल बनता है इंटरेस्ट रेट्स में, ओके, वो बैंक का प्रॉफिट होता है या उसमें से उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलती है और प्रॉफिट निकलता है। अभी ये जो पर्टिकुलर केस है, ये केस के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी देता हूं इस पे। ये हमारे बहुत पुराने कस्टमर है, ये आज जो जिन्होंने एफआईआर किया हमारे ऑफिसर में, 2016 से इनका ये अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए में रजिस्टर हुआ है 2016 में। उसके बाद इनकी जो भी प्रॉपर्टीज हमारे पास सिक्योरिटी के दौरान थी, वो प्रॉपर्टीज के ऊपर हमने हमारा लिक्विडेशन का प्रोसेस शुरू किया, और उस दौरान जो हुआ, ओके, उसमें आई थिंक उनका और उनके दूसरे पार्टनर का जो भी डिबेट था, उसमें उन्होंने क्लेम किया है कि हमारे ऑफिसर ने उस दूसरे पार्टनर को पैसा देने में उनकी हेल्प की है, और उनका जो अमाउंट जो बैंक में भरना था वो भरा नहीं गया उस लिए। पर देखो, एक चीज है, ये कस्टमर जो है या ये जो हमारे जो कस्टमर है, ये हमारे बैंक के एजीएम भी आए थे, तभी भी ये खड़े रह गए बोलने के लिए। तब मैंने बोला था एजीएम में कि एज अ बैंक डिफॉल्टर, जिन्होंने आज तक बैंक का जो लोन लिया है वो रीपे नहीं किया है, उनको इधर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, पहली बात। तो आज जब ये पूरे जब केस पेपर में आया, मुझे भी बहुत दुख हुआ, बिकॉज हमारी 100 साल पुरानी बैंक है और कस्टमर और हमारे रिलेशन बहुत बढ़िया है। ये तो पहली बार ऐसे हो रहा है कि हमारे ऑफिसर के ऊपर एलिगेशन हो रहा है। बट देखो, इस केस में मेरे हिसाब से बोर्ड मेंबर जो भी ये केस को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको एक चीज समझना चाहिए कि ये पूरे किस्से में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो बैंक का हुआ है। कैसे, मैं आपको बता दूं। पहले फर्स्ट तो बैंक का जो लोन एनपीए में 2016 में था, वो आज भी एनपीए में ही है, ओके? तो बैंक का जो पैसा आना था वो तो आया ही नहीं। बैंक का जो रिकवरी प्रोसेस था वो इस दौरान पूरा रुक गया। जो कस्टमर था, जिसको जो इतने साल तक जो बैंक को जो पैसा देना था उसको, उसने वो दिया नहीं, और आज वो लास्ट मिनट पे हमारे ऑफिसर पे एक क्लेम डालता है कि ये ऑफिसर की वजह से मैं पैसा दे नहीं पाया, जो भी रीजन हो पाएगा। मैं तो बोलूंगा कि ऐसे कस्टमर को पहले तो बैंक का जो ड्यूज है वो क्लियर करना चाहिए, फर्स्ट। सेकेंड, पैरेलली वही टाइम पे ही कैन पुट अप अ लेटर सेइंग दैट कि ये मेरी कंप्लेन है ये ऑफिसर के अगेंस्ट, और उसमें फिर बोर्ड को पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए, और उसका जो भी रिजल्ट है, अगर ऑफिसर ने कुछ गलत किया है तो उसको पनिश होना चाहिए, अगर नहीं किया है तो देन वो कस्टमर को बताना चाहिए कि इसमें कोई ऑफिसर की गलती नहीं है। बट अगर ये जो अभी जो हो रहा है कि इस पर्टिकुलर केस में, आज देखो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री स्ट्रेस में है, पूरे बैंक में एनपीए का परसेंटेज बढ़ रहा है,
अगर ये जो प्रेसिडेंस हम जो सेट कर रहे हैं कि कोई भी कस्टमर आएगा और हमारे एम्प्लॉई के ऊपर या ऑफिसर के ऊपर एलिगेशन करेगा और हम उसको सपोर्ट करेंगे और फिर वो लिटिगेशन चलता रहेगा, बैंक का पैसा कब आएगा? इसमें बैंक की इमेज भी खराब होती है, बैंक का पैसा भी नहीं आता है और कस्टमर का कॉन्फिडेंस भी नहीं बनता है और एम्प्लॉई का मोरल तो और खराब हो जाता है। सो ये मेरा व्यू है। सो आई थिंक बैंक शुड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आज दैट व्हेवर द कस्टमर इज कि भाई आप आओ और पहला हमारा बैंक का पैसा क्लियर करो, आपकी जो भी कंप्लेन है आप यहाँ पे दो, हम हमारे इंक्वायरी उसकी पूरी करेंगे और उसका जो भी रिजल्ट होगा ये आपके सामने रखेंगे। बट ये जो हम आई थिंक ये वीडियो लंबा